हमारे क्या अधिकार नहीं है, हमारी सैलरी बढ़ने का अधिकार नहीं है, या हमारे को पक्का होने का अधिकार नहीं है। उन्होंने एक बार भी यहाँ पे आके झांका नहीं है कि गलियों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सीवर लाइन है नहीं है, गलियों में लाइट है या नहीं है, जल रही है नहीं जल रही, गलियों में अंधेरा हो रहा है, किसी के घर में कुछ हो रहा है, बहन बेटी निकलती है कोई छेड़ देता है, कुछ होता है। अब इलेक्शन आ गए तो अब घरों में आके हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। अब हम अपने बिरादरी की तरफ केदरी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल एकदम 100 में से 100%। आज कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हमारा सब भर गया, आंडी ने गलियां भर गई, कुछ भी सारा नहीं हमारे को बिल्कुल, ना तो केजरीवाल साथ दिया, ना हमने ये क्या नाम मोदी ने साथ दिया, सबने महंगा कर दिया। हमारे को तो रोटी भी चाहिए ना, कुछ तो खाए। कोई कुछ नहीं करता है हमारे समाज के लिए, कोई सोचने वाला नहीं है। अब आजाद भाई की पार्टी हमारे समाज की पार्टी आई है, जो अरुण टांक है हमारे। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और लगातार हर वार्ड में हर कोई प्रत्याशी अपनी जो है यहां पर प्रचार प्रसार कर रहा है, तो लगातार एक एक वार्ड में हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो वार्ड मिल जा रहा है तो वहां पर हम तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे रूबरू हो रहे हैं। तमाम जनता का क्या विचार है, क्या इस बार जनता चाहती है परिवर्तन, क्या बदलाव चाहती है एमसीडी में? 15 साल से बीजेपी थी, अब वो क्या चाहती है? तो अभी इसी जनता से हम रूबरू होंगे, इसी जनता से जानेंगे कि मैं अभी वार्ड नंबर 73 में मौजूद हूँ अरुणा नगर में। यहाँ पर तमाम जनता आप देख सकते हैं और यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी है, लेकिन मैं जनता से भी बात करूंगी क्योंकि अब परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की सिंह है जी। यही रहते हैं आप? जी हाँ जी, हम चंद्रावल के निवासी। तो ये बीजेपी में 15 साल से जो है बीजेपी की सरकार है एमसीडी में जी। तो अभी तक कितने निगम पार्षद यहाँ पर आए हैं और देखा है यहाँ? कोई नहीं आता मैडम, वोट लेने के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। हमारे यहाँ से बीजेपी के वो थे निगम पार्षद जत्थेदार अवतार सिंह, वो पिछले 5 साल में यहाँ पे कभी नहीं आए, कोई काम नहीं किया उन्होंने यहाँ से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। यही रहते हैं? हाँ जी। अरुणा नगर में? हाँ जी। पक्का ना? हाँ जी। कभी यहाँ पर पता चले क्योंकि हाँ आरोप लग जाते पैसा देके भीड़ इकट्ठा की? नहीं, आप आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स देख लो मेरे आप। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, अब क्या बदलाव चाहते हैं? मैम बहुत चाहते, क्योंकि मैं खुद एमसीडी में नौकर हूँ, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं होती किस चीज में। हमारे कच्चे नौकर ऐसे टूटते रहते, काम करते रहते, उनके लिए तनख्वाह टाइम पे नहीं है, हर चीज। एमसीडी में क्या कर रही है भाजपा? कितने टाइम से क्या करा भाजपा ने, क्या कर रही है क्या? हमारे को तनख्वाह लेट पे की रोड सड़कें सब कुछ बनवाया है एमसीडी में 15 साल से, ऐसे ही थोड़ी। एक मिनट बताओ, जो रोड बनवाया उन्होंने, रोड को साफ हम करते हैं ना, हमारा क्यों नहीं करते फिर वो? क्यों नहीं करते इन चीजों? आप कर्मचारी हैं? हाँ जी। बहाली वगैरह हुई है कुछ? हैं? बहाली वगैरह हुई? मेरी सैलरी देखिए कि लगातार सेम सेम के नारे लग रहे हैं, तमाम जनता त्रस्त हो चुकी है। मैम 14,000 सैलरी है, 14,000 में ना वो इतना काम भी लेते और 14,000 भी टाइम पे नहीं देते हैं। हमारे क्या अधिकार नहीं है, हमारी सैलरी बढ़ने का अधिकार नहीं है, या हमारे को पक्का होने का अधिकार नहीं है? दिल्ली एल वार्ड में 249 हाजिरी पे बंदे पक्का है, तो कोई किसी भी डिपार्टमेंट में एक साल से लेकर 2 से 3 साल के अंदर पक्के हो जाते हैं। हमारे को 28 साल बंदे लिटेरी की उम्र में आ गए, कोई पक्का नहीं हो रहा। ये क्या चल रहा है? ये बीजेपी के हाथ में है ना। तो ये कह रहे हैं ना कि पक्का हम इसलिए नहीं कर रहे भैया, और लोगों को भी मौका मिलेगा। मौका क्यों मैम, फिर हम जैसे हो क्या होगा? हम भी तो देखो हमारे बुढ़ापे में पक्के होंगे हम, और ठेकेदारी में हमारे को फेंक रहे, क्या फायदा हमारे पास? अब किसकी तरफ बटन दबाएंगे? मैं तो इसी पे जाऊंगा जो हमारे चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर भाई, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया है समाजवाद के लिए, नहीं इनके हर किसी के पीछे बोलते हैं। एक इंसान ऐसा चाहिए होता, सच्चा इंसान चाहिए आ गया मेरे को। अच्छा। झूठे वादे हर एक कोई करता, मैम आते हाथ जोड़ते हैं जी आएगा, अगली बार कोई नहीं आता। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ पे, दौरा भी किया है? हाँ जी आए भी, और पहले भी आए हैं। हाँ जी, हाथरस की लड़ाई में लोग, अब मैं बताता हूँ, बीजेपी की पार्टी थी हाथरस की लड़ाई में, बीजेपी का उन्होंने उनकी सपोर्ट उनको बीजेपी वालों को मिल गई। कहते हैं आदित्यनाथ योगी के जो भी जिन्होंने कांड करा है, उन्होंने आदित्यनाथ योगी के साथ के काम करने वाले, उन्होंने हमारी बहन बेटी के साथ गलत हुआ, आदित्यनाथ योगी ने उनकी मदद करी, हमारी बहन बेटी की सुनवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई मैम? हमारे साथ सुरेश शाबड़िया भी है, तो उनसे भी जानते हैं। अभी तमाम जनता का आपने बात सुनी कि बहुत त्रस्त हो चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज दिल्ली में वाल्मीकि समाज ने निगम का एक एक जाति धर्म पे मैं नहीं जाता, मैं सभी जाति धर्म के
विषय में बात करना चाहता हूँ। निगम के अंदर 15 सालों से भाजपा की सरकार है और जो इस क्षेत्र के वार्ड 73 के जो काउंसलर है, निगम पार्षद है, जत्थेदार अवतार सिंह, जो कि यहाँ के लोगों ने अपना वोट देके उनको सत्ता में लाने का काम किया और वो मेयर भी रहे, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने उनको मेयर बनाया, ये देख के पिछड़ी जाति के हैं, दलित जाति के हैं, अगर ये मेयर बनेंगे तो नई भर्तियां लाएंगे, जो 20-20 साल से हमारे लोग कच्चे हैं उनको पक्के का काम करेंगे, और जो हमारी समय पे वेतन नहीं मिलता वो समय पे वेतन दिलाने का काम करेंगे, नई भर्तियां लाएंगे। आज आप देख रहे हैं नौजवान जितने भी खड़े ना, ये पैसा दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये चंद्रशेखर साहब ने अपने खून पसीने से कमाई भी भीड़ है, मैं आपको बता दूं। अब आपको बताता हूं, सुनो। अच्छा, एमसीडी में जो है अभी आप और बीजेपी की आर पार की टक्कर है, एएसपी तो कहीं दिख नहीं रही है, यहीं पर अभी मैं आई हूं तो यहां पर दिख रही है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हम आंदोलनकारी हैं, हम तो 5000 साल से ना गुलामी सहन कर रहे हैं इन सब चीजों की। आज चंद्रशेखर साहब के आंदोलन जो देख रहे हो, दलित पिछड़ों को, हमारी बहन बेटियों को लगातार उनके पीड़ित किया जाता है, जैसे हाथरस वाला मामला हो, 8 साल की बच्ची का दिल्ली कैंट वाला मामला हो, या 6 साल के बच्चे को पानी पीने से रोक के मार दिया गया हो, राजस्थान के अंदर मुंह सकने पे गोली मारी जाती है, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, तो सभी आंदोलन में चंद्रशेखर भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं वो, और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर निगम के अंदर, मैं दावे से कहता हूँ, भीम आर्मी की अगर 5 सीटें भी आती है ना दिल्ली में, तो सदन है ना चलने ही देंगे, जब तक मेरे कौम की, मेरे समाज के लोगों की पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेगी, जब तक भर्ती नहीं की जाएगी, जब तक उनके रिटायरमेंट और डेथ के अंतिम लाभांश नहीं दिए जाएंगे ना, जब तक एक भी सदन को चलने नहीं दूंगा, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और है मेरा, ये कि एएसपी अब पार्टी खड़ी कर दी गई है, बीएसपी पहले से थी बहन जी की पार्टी, हमेशा से बहुजन समाज के लिए अगर जानी जाती थी बहन जी की पार्टी जानी जाती थी, अब तो बहुत संगठन अलग अलग आ गए हैं, उसके सामने एक और पार्टी खड़ी कर दी जाती है, आप लोग एकजुट भी तो हो सकते हैं, आप समाज बटे बटे क्यों हैं? देखिए बटावा, बाबा साहब ने कहा ना, बटावा समाज का भी हुक्मरान नहीं बनता। अब आपने बोला कि दो पार्टी, अब मैं बता दूं, जो ब्राह्मणवाद देश के अंदर है इनकी 4-4 पार्टी है, कांग्रेस में बीजेपी निकली, बीजेपी से निकली आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां भी, तमाम ये उसी के तो कार्यकर्ता आरएसएस के। आपने देखा वो केजरीवाल जी ने 2006 के अंदर संविधान में से SC/ST एक्ट खत्म करने की बात की थी, आंदोलन भी किया था। आज वो बाबा साहब की बड़े बड़े चित्र, शहीद आजम भगत सिंह के बड़े बड़े चित्र लगा के पंजाब में सरकार बना ली उन्होंने, और दिल्ली में भी उनका झंडे का रंग जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था ना, जब से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने अपने पैर पसारने शुरू करे दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने भी बाबा साहब का नाम लेने लग गए। तो बाबा साहब तो देखो वो शख्सियत है, जो बिकता नहीं है ना उनकी फ़ोटो बिकती हैं, बाबा साहब अगर बिकते तो उनकी फ़ोटो नहीं बिकती, साहब काशीराम अगर बिकते तो उनकी फ़ोटो नहीं बिकती, वही हमारा चंद्रशेखर आजाद साहब है, माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब अगर बिक जाते ना तो आज लाखों की जनसंख्या में इतने फॉलोवर्स नहीं होते उनके, ऐसा कोई नोट नहीं बनाया जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को या चंद्रशेखर आजाद साहब को खरीद ले। एक एक जब तक एक एक सांस का कतरा है ना इस शरीर के अंदर बहुजन समाज के लिए ना, वो सब लुटाने के लिए तैयार रहेंगे। और आपने बोला, सुनिए, आपने जो बोला ना बहन जी, तो बहन जी समय आएगा एक दिन, हमने तो बहन जी को भी ननौता दिया था कि 2024 के अंदर हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी चंद्रशेखर को ये नहीं कहा कि वो हमारा भाई है, समझ लो। एक बाबा साहब ने और साहब काशीराम ने नारा दिया था, बहुजन हित आए बहुजन सुख आए, लेकिन उसकी जगह सर्वन हिताय सर्वजन सुख आए वो कर दिया है। आज आपको पता है कि किन के हाथों में वो पार्टी चल रही है, जो लगातार हमारे ऊपर दलित पिछड़ों पर शोषण करते आए हैं उन लोगों के हाथ में पार्टी है, तो आज वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आज युवा जो चाहता है ना वो बदलाव चाहता है,
और आज बदलाव जो चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं, युवा उनके देश का पूरा युवा साथ है, और दिल्ली में बहुजन समाज के लोगों की, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोगों की संघर्ष करेंगे और सरकार बना के दम लेंगे। ये लोग हमारे प्रण कर चुके हैं। तमाम पार्टी दावे वादे करती है, अगर आप एमसीडी में आ जाएंगे, एएसपी पार्टी जो है एमसीडी में आ जाती है, तो क्या कुछ करेंगे आप? देखिए दावे नहीं है ना, अभी हम किराए के मकानों में रह रहे हैं, क्योंकि किराए के मकान में रहने वालों को जब मर्जी मकान मालिक घर से निकाल देता है। आज हमारे हालात वो हैं जो हमारे नेता है ना, नेता के जो हुक्मरान है उस पार्टियों के, वो कहते हैं पार्टी में तो रहोगे लेकिन पार्टी के अंदर अपने हक और अधिकार की आवाज़ नहीं उठा सकते आप। अगर गुलाम बन के रहोगे तो आपका मान सम्मान है, लेकिन हम तो स्वाभिमानी है, अपने मान सम्मान को झुकने नहीं देंगे। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं मरते दम तक। अभी और भी यहाँ पे रहते हैं आप? हाँ जी, हम यही रहते हैं अरुणा नगर में। जी हाँ, यहीं पे रह रहे हैं आप लोग? जी, हमारा जन्म यही हुआ है। यही जन्म हुआ है जी। तो तब से एमसीडी में जो है बीजेपी की सरकार है, हमेशा से उसने दावे वादे किए हैं, भैया हम ये काम करवा रहे हैं, क्या यहाँ पे आए हैं? नहीं, वो कभी यहाँ पे आए नहीं है। पार्षद ने कितनी बार चक्कर मारा, कितनी बार जनता के दुख को समझा है? कभी हमारे दुख को भी नहीं जाना है, कभी हमारे दुख को भी नहीं जाना है कि तुम लोगों को क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। और बाकी वादे करे हैं कि भाई प्राइवेट नौकरी ख़त्म करेंगे, लेकिन वो प्राइवेट नौकरी भी नहीं ख़त्म करते हैं, और ठेकेदारी में सब सारी सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। वो पैसा मिल रहा है उनको, वहाँ से मोटा पैसा मिल रहा है ठेकेदार लोगों से, तो वो उनको ठेकेदारी में दे रहे हैं। और कच्चे प्राइवेट जो लड़के हैं वो भी बेचारे 10,000-12,000 रुपये में क्या घर का गुजारा होता है। इस बार किसकी तरफ बटेगा? इस बार केतली की तरफ दबेगा मैम हमारा, तो केतली की तरफ दबेगा जी मैम। क्या नाम है? हमारा नाम सूरज है, हम यहीं के रहने वाले हैं। हमारे जो यहाँ के काउंसलर है वो जत्तार सिंह जी, सरदार जी, 5 साल हो गए उन्हें यहाँ पे जीते हुए बीजेपी की तरफ से। उससे पहले जो थे उनका पता नहीं, लेकिन वो जीते हैं। उन्होंने एक बार भी यहाँ पे आके झांका नहीं है कि गलियों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सीवर लाइन है नहीं है, गलियों में लाइट है या नहीं है, जल रही है नहीं जल रही, गलियों में अंधेरा हो रहा है, किसी के घर में कुछ हो रहा है, बहन बेटी निकलती है, कोई छेड़ देता है, कुछ होता है। अब इलेक्शन आ गए तो अब घरों में आके हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। कई घर वालों ने तो उन्हें धक्के दे के भगा दिया कि तू भाग यहाँ से, क्या काम है यहाँ पे धक्के मार के भगाया गया यहाँ पे, क्या क्या काम है हमारे इधर? ये परली चंद्रावल में से खूब मतलब बुजुर्ग महिला ने के सीधा बोला कि तुम 5 साल से कहाँ थे, अब तुम्हारा वोट मांगने का टाइम आ गया तो तुम फट से आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो रहे हो जी मुझे देना वोट। अब 5 साल के बाद तुम आए हो मांगने, उससे पहले तुम कहाँ थे? अपनी जेब गर्म करके अपने घर में बैठे थे, जब आके देखते। 15 साल से जो अभी एमसीडी में सरकार है वो भी तो आप, उसको लाने वाले भी तो आप ही लोग होते हैं। वो तो बात आपकी ठीक है, तभी तो राज कर रही है। विश्वास ही तो था मैम, हमने भी तो विश्वास, 15 साल से हमने तो विश्वास किया था। हाँ। एक बार केजरीवाल पे विश्वासघात तो आपको पता है, हर पार्टी तो अब कहाँ जाएंगे? अब हम अपने बिरादरी की तरफ, केजरी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल एकदम 100 में से 100%। बिल्कुल बिल्कुल, 15 साल से तो वही राज कर रही थी, वो राज कर रही थी ना, लाने वाले आप ही लोग, आप इनको हम देंगे। अभी सामने बोल रहे हैं, क्या पता आप चुपचाप से जो बिरयानी खिला दी जाती है, बोलते हैं ना कि बिरयानी दे दी जाती है, भैया पौवा दे दिया जाता है, बिक जाते हैं। हम पीने खाने में हम यहाँ हैं तो हमारे को यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ से अपने फुल दिल की पूरी सपोर्ट से कार्य करता है, हमारे को कोई लालच नहीं है और ना पार्टी ने हमारे को किसी चीज का लालच दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराट। विराट नाम है, यही रहते हैं? इतनी गोल्ड की चेन पहनी हुई है, लोकल है भाई, पागल बना रहे हो दुनिया को। अच्छा ये बताइए कहाँ जाएंगे इस बार, किस तरफ जाएंगे? केतली। केतली? और 15 साल से? 15 साल से नहीं, 35 साल से केतली भी। 15 साल से आप एक ही पार्टी को जिता रहे हैं, तभी तो आ रही है वो सत्ता में, एनसीडी में भी आ रही है। हम तो नहीं जिता रहे। आप लोग नहीं जिता रहे, तो कौन लोग हैं वो जो जिता देते हैं? वो बिकने वाले, बिकने वाले, जो और आपको भी अगर कुछ लालच दे दिया जाए तो आप नहीं बिकेंगे? लालच चाहिए नहीं हमें, नहीं चाहिए, सीधा सीधा बोल रहे हैं। तो किसकी तरफ है? केतली। बिल्कुल। अच्छा और भी लोग हैं यहाँ पे, रहते हैं यही रहते हैं भाई? कुछ लोग आना चाहते हैं, बोल नहीं सकते हैं। अम्मा क्या, मैंने तो अभी आपसे पूछा था, 65 बताई थी, कितनी उम्र बताई थी आपने? 60। 60 बताई थी, तो 60 की उम्र में इतनी खुश दिख रही हैं, आपके अंदर इतना उत्साह दिख रहा है, खड़ी हुई है, तो यहाँ पे ही रहती हैं आप? यहाँ ही रहते हैं। हाँ? हाँ? कितने साल से? काफी साल, मकान बनाया ना
ये हमारा खंजाई बनिया मकान जब पहाड़ तो बिल्कुल यहाँ पहाड़ तोड़ तोड़ कर हमने बनवाया मकान। अच्छा, तुम आप तो बहुत पुराने टाइम से रह रही हैं। हाँ। और आपको अच्छी खासी समझ भी होगी सत्ता परिवर्तन की, बीजेपी ये जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी, ये क्या नाम, कांग्रेस आम ये हमारे को है ना, जो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हमारा मिला, सबर भर गया, आंडी ने गड़िया भर गई, कुछ भी सारा नहीं हमारे को बिल्कुल। एमसीडी में 15 साल से है ये सरकार बीजेपी की, तो कभी आया निगम पार्षद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी हमारी, कोई भी कार्रवाई मीटर नहीं है, बगैर मीटर में से जब पैसे भरती हूँ, बगैर मीटर पैसे भरती हूँ मैं। बिजली पानी फ्री बता रही है सरकार, केजरीवाल तो मिला फारी, मेरे को तो फारी नहीं मिला, फार्म भरिया मैं दो बार सरदार के पास आया, केजरीवाल के बजाय कोई नहीं दिया। अच्छा, पेंशन योजना जो करी थी उसमें बहाली भी करी थी, उसमें नहीं मिला हमारे को, मिलती है वैसे खाम मिलती है, रोज परेशानी ना नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो ये जो सरकारें दावा वादा कर रही है, कभी बीजेपी बोलती है, कभी आम आदमी पार्टी बोलती है वृद्धा पेंशन मिल रही है, ये सब झूठा नंदा है। हाँ, जो के ये इसमें केतली में जीत जाएगी ना, वो झंडाबाज हो जाएगी। केतली केतली क्यों जीतनी चाहिए, केतली जीतनी चाहिए, जीतनी चाहिए इस वजह से, जीतनी चाहिए आपका केतली किसी वजह से जीते, हमने ना तो केजरीवाल साथ दिया, ना हमने ये क्या नाम मोदी ने साथ दिया, सब ने महंगा कर दिया। हमारे को तो रोटी भी चाहिए ना, कुछ तो खाए, कुछ तो खाए गरीब आदमी, कुछ तो खाए। महंगाई का वो बता रही है भैया, GST पीछे से बढ़ रहा है, ये सब बता रही है, कारण बता दे रही है। केजरीवाल ये केतली वाला जीत जाएगा तो ये हमारे को, इनको हम साथ देंगे, हम इनको साथ बार बटन केतली की तरफ, केतली के बटन लगाएंगे। हाँ। केतली का बटन लगाएंगे, देखिए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ टाक है, यहीं रहते हैं जी, बिल्कुल यहीं रहता हूँ, मेरा जन्म ही यहीं हुआ है और यहीं काफी साल से मेरे माता पिता भी यहीं सब हैं। हाँ जी, तो क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, कुछ बदलाव हुआ है कॉलोनियों में, सड़कें रोड़े जो बताई जाती है, कूड़े के ढेर बताए जाते हैं, ये कुछ में बदलाव हुआ कभी भी? कुछ भी नहीं हुआ मैडम, यहाँ पे सिर्फ झूठ बोला जाता है, नेता लोग आते हैं झूठ बोल के अपना वोट लेके चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, हमारे समाज के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। अब आजाद भाई की पार्टी, हमारे समाज की पार्टी आई है, जो अरुण टांक है हमारे, यहाँ पे केतली के बटन से खड़े हुए हैं, हमारा सपोर्ट अपने समाज को रहेगा और उनका पूरा वादा है, उन्होंने पूरा शपथ पत्र दिया है इस बार हमारे को, वो शपथ पत्र पढ़ा है हमने पूरा प्रॉपर, उसमें हर एक चीज लिखी गई है शपथ पत्र में, और उसी के कारण कोई लिखित में नहीं देता है, हमारे अरुण टाक भाई ने ही हमें शपथ पत्र दिया है, जो वो कार्य करना चाहेंगे आगे। अगर कोई भी अगर ऐसी पार्टी अगर शपथ पत्र देती है, मैं पूछता हूँ कोई ऐसी पार्टी है शपथ पत्र देने वाली, कार्य करने लिख के देने वाली, तो करे दिखाएं, करे, सब सिर्फ मुंह से बोलते हैं, जुमले बोलते हैं, सिर्फ जुमले बोलते हैं और करता कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे समाज के हैं इसलिए उनको हम लेकर आएंगे, इससे पहले कभी भी आप नहीं जागरूक नहीं हुए? एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी ये सारी पार्टियाँ हैं, ये हमारे समाज को टिकट ही नहीं देती है, टिकट ही नहीं देती है, क्या हमारे समाज को पीछे रखा हुआ है। अब चंद्रशेखर भाई की एक पार्टी ने हमारे समाज को टिकट दिया है, सारे समाज को हमारे टिकट दिया है, और उसके द्वारा ही हमारा समाज उठेगा और इन सब पर राज करेगा। आज तक ये हमारे पे राज करते आए हैं, अब इन पे हम राज करेंगे। एमसीडी में इस बार किसकी जाएगी, किस पे बटन जाएगा? एमसीडी में हमारे अरुण टाक भाई जीतेंगे, केतली पे दबाएंगे। तो यहाँ तमाम लोग हैं जो सभी केतली की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, बल्कि सीधा सीधा बोल रहे हैं कैमरे के आगे कि इस बार जो है बटन दबेगा तो केतली पर। जो अब जो है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण हैं, उनको मौका दिया जाएगा। अब लगातार त्रस्त हो चुकी जनता, बदलाव चाहती है, सत्ता में परिवर्तन चाहती है, एमसीडी में परिवर्तन चाहती है, अच्छे नदी यहाँ पे जो नाले हैं बहते हुए उनमें बदलाव चाहती है, सीवर जो बह रहे हैं उसमें बदलाव चाहती है। ये जनता का व्यू है जो तमाम लोग बोल रहे हैं कि भैया बहुत सालों से ये लोग रह रहे हैं, जिनकी पैदाइश भी यहीं की है, तमाम लोग बदलाव चाहते हैं, त्रस्त हो चुके हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित।
आवाज मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा अरुणा नगर दिल्ली।